नमस्ते, क्या हाल चाल। फाइनली फाइनली सोचते सोचते 6-7-8 महीने होने के बाद आज फाइनली वो दिन आ गया है कि आज पेंट वर्क शुरू हो चुका है स्टूडियो के अंदर, और मैं बता नहीं सकता कितना ज़्यादा खुश हूँ। और एक नया काम भी शुरू करने वाला हूँ मैं, एक वो भी काफ़ी एक्साइटमेंट है, तो वो चीज़ भी आपके साथ धीरे धीरे शेयर करूँगा। ये साली पता नहीं सीलन कहाँ से आ गई, आज तक समझ में नहीं आया। ये रॉड हटवा रहा हूँ मैं, ये चौखट जितनी है इन पे अलग पेंट होगा इस बार। और वुडन फ्लोरिंग बचाने के लिए हम लोगों ने इधर अभी मास्किंग टेप से प्रॉपर मास्किंग करेंगे यहाँ पे, बट अभी फ़िलहाल के लिए हमने ऐसे लगा दिया है इसको यहाँ पे। अरे जितनी दीवारों में मरम्मत होनी है तो होनी ही है, और ये छोटी छोटी क्लिप्स जो मैंने इधर या साउंड सिस्टम लगा हुआ था वो मैंने हटाई दिया, मैं खुद से लेकर के ही आ जाता हूँ मार्शल जो है मेरे पास। ये अब थोड़ा सा बढ़िया कराना है यहाँ पे, ये देखो। ना सीलन बराबर वालों के है ना पता नहीं कहाँ यहाँ आई हुई है। उतार दिया यहाँ से पर्दे वाली रॉड, जाले देख रहे हो, ये देखो कितना नीचे आया हुआ है जाला। ये लटका हुआ है, ये अंकल को मैंने बोल दिया है कि भाई ऐसा है एसी चला के काम करो, गर्मी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि गर्मी लगेगी तो काम नहीं होगा। उस टाइम ऐसे भी ऊट पटांग मौसम हो रखा है दिल्ली का, इसलिए मैंने बोल दिया कि आप एसी चला के ही काम करो। आज मेन ये सोचा है कि सिर्फ दीवारों पे मरम्मत का काम होगा आज। कल ये सवेरे आकर के बैकड्रॉप्स वगैरह सब उतार के मेरे को साइड करने हैं। आज दीवारों की ये पत्ती जो चलाते हैं, रेग माल मारते हैं, पीओपी बिरला पुट्टी जो भी है भरेंगे, वो चीज़ करनी है इन लोगों ने। दूसरा कल से काम होगा पेंट वगैरह का शुरू। नहीं ये निकालना है अंकल, इसको निकालना है, पेचकस से निकाल लो अगर निकल जाए तो। अभी तो नाश मार सकते हैं हम इसका। हाँ गणेश जी अंकल, मेरे ख्याल से देखो हम लोग ईस्ट की तरफ, ईस्ट इस तरफ है, नॉर्थ हम किस तरफ मुंह करके पूजा करते हैं, या तो ईस्ट की तरफ करके मुंह करते हैं या फिर नॉर्थ की तरफ करते हैं। तो नॉर्थ ये है और ईस्ट ये है, तो यहाँ पे भी लगा सकता हूँ मैं, इधर भी लगा सकता हूँ गणेश जी। हाँ नॉर्थ की तरफ ही देखना है, ये कितनी सारी क्लिप्स लगी हुई हैं सब हटानी है। अब वही काम शुरू हो चुका है, पीओपी लग रही है बिरला पुट्टी, और उधर मैंने गोप्रो लगा दिया है टाइम लैप्स कैप्चर करने के लिए। भैया तो बड़ा ही वो हो रखा है, ये देख रहे हो साहब। अगर इस पुराने बिल्डिंग का मालिक बाई चांस मेरे व्लॉग देखता है ना, अबे तू क्या काइया आदमी था क्या, पैसे नहीं खर्च हुए थे तेरे से, एक ढंग की बिल्डिंग ही बना लेता, पैसे लगा लेता, डॉक्टर कहलाता है तू, फालतू आदमी है एक टॉप क्लास। भाई कुछ भी बोलो लेकिन एक बात तो तय है, और वो ये है कि जब भी कोई काम होता है उसको देखने में मज़ा बहुत आता है यार। अब मैं समझ सकता हूँ कि जेसीबी की खुदाई लोग क्यों देखते थे पहले इतना, मतलब अभी भी देखते हैं, मतलब मेरा जाने का मन ही नहीं कर रहा, मैं यहाँ बैठा हुआ देख रहा हूँ, इंजॉय कर रहा हूँ। ऊपर जाके मुझे एडिटिंग करनी चाहिए लेकिन उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, होती रहेगी एडिटिंग, ये मज़ा आ रहा है देख करके। इसमें जो मज़ा है किसी चीज़ में नहीं है। नीचे आया तो इधर भी हो गई सारी मरम्मत,
बस अभी उधर के वो रह गए हैं उन्हें, और हो जाएगा फिर। ये भी पूरा हो गया, यहाँ पे भी कर दिया, अब रेग माल लगेगा और उसके बाद रेडी पेंट पूंट होने हैं फिर। उधर जो सामने कील दिख रही है वो भी हटानी है अभी, वो बस इन लाइट्स वगैरह के चक्कर में ही नहीं, अभी इधर छेड़खानी कर रहे हैं हम लोग। यह लाइट इधर कर दी है साइड में, और इधर अंकल अब लग गए हैं। ये ना इधर मैंने पूरी ऐसे 4.1 चैनल लगाया हुआ था, और ये जो यहाँ पे दिख रही है POP, इधर मैंने इसका एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ था वूफर रखने के लिए। कहीं कहीं पे तो बुरे हाल हैं, मतलब जिसे कहते हैं ना वो रखा है यहाँ पे। ये मतलब मजबूत तो रहेगा ना, पट्टी पड़ी है ना। अच्छा, पुट्टी जो पड़ी हुई है बिरला वाली। ओके भाई, आज का ब्लॉग बस इतना ही काफ़ी है, मतलब स्टूडियो से रिलेटेड, क्योंकि कर दिया है जितना मेन मेन सारा काम होना था, और ये साला पता नहीं क्या कहाँ से कब आ गया। छोड़ो जो भी है, अंकल कल क्या होगा काम? कल इसे रेगमा लगा के एक कोट डालेंगे, ठीक है, और हो सकता है तो इन्हें का भी एक कोट ब्लू कलर का जो आप डलवाना चाहते हो वो डाल सकते, ठीक है, अगर टाइम मिला तो, ठीक है, नहीं तो परसों कोशिश करेंगे आपका स्टूडियो ओके करके दे, ठीक है, कोशिश करेंगे अगर ना हो सका तो उसके लिए। अरे कोई नहीं, और कल कितने बजे से शुरू? कल लगभग 11 बजे के आसपास। और कितने बजे खत्म? 6:30 7 कर लेंगे, सात कर लेंगे, ठीक है, 7 बजे तक ओवर। जैसा कि अभी आप लोगों ने सुनी लिया है अंकल से कि भाई कल ये सब ऐसे ऐसे होना है, तो वही है एक ना इसका भी कुछ लाइटों का भी मैं सेट करूँगा कि कुछ ये मतलब ऐसे ना दिखें, कुछ अच्छे से दिखे, कुछ सोचा जाएगा दिमाग में कि कैसे करना क्या करना। ये विंडो जो है इसको मैं प्रॉपर, मेरे पास ग्लास वूल पड़ी है अकोस्टिक पैनल्स, उससे कवर करूँगा मैं इसको अच्छे से, एक बार सब कुछ हो जाए उसके बाद। इस दीवार पे कैसा डिज़ाइन चाहिए ये मॉकअप मैंने रेडी कर लिया है भाई। राइट टाइम 11 बजे काम शुरू हो गया था, एकदम बढ़िया रेग माल घिसाई का शुरू हो चुका है। आज अंकल क्या क्या होने वाला है वैसे काम, दोबारा से बताओ। एक कोट डाल देंगे इसका, ठीक है, ब्लैक भी डाल देंगे, ठीक है, और हो सकता है एक कोट ब्लू का भी डाल दें, ठीक है। आज आप अपने साथी भी ले आए हो? हाँ, अच्छा ये चाचा जी आए हैं। भी देखा था मैंने कि CCTV से लोग खिड़की वगैरह पे काम शुरू कर रहे हैं, तो मैंने पहले दिखा देते हैं। जो रोलर से बात निकल के आती है ना वो एक अलग ही बात आती है, ब्रश में वो बात नहीं होती, ये तो मैंने देख लिया। नमस्ते, क्या हाल चाल? Day 3 पेंट का काम जारी है, आज 2-3 काम होने भी हैं। साथ के साथ बस ये कहना है कि अभी हम इस वाली दीवार पे मास्किंग टेप से डिज़ाइन रेडी करेंगे ताकि कुछ बना सकें, और आज इस दीवार पे ब्लैक कलर हो जाएगा। जो है एक ऐसा बंदा आया है, इसका बहुत लंबे समय से, इसको खुद अपने आप से इंतजार था कि कब ये यहाँ पहुँचे। तो हेलो एवरीवन, डीप मनी रफ्तार कह रहे हैं, डीप मनी रफ्तार गाइस, इसका नाम है दीपू उर्फ दीपांशु उर्फ द डैपी उर्फ साईबाई इवेंट्स, साईबाई भाई, साईबाई इवेंट्स। हाँ
बढ़िया लग रहा है भाई तू आज, सवेरे गिर गए। क्या मांग रहा है भाई? कंगी। कह रहा कॉम वॉम नहीं है क्या? क्या देख रहा है भाई? यार अगे बैठूंगा क्या? बाथरूम में है भाई? नहीं है भाई, देखा। अगर दिखा दिया तो मेरे बाल काटेगा या काटेगा? नहीं भाई, ये रहा। अबे क्या कीचड़ मचा दी तूने भाई। तो काफी देर बाद आकर के ना नीचे चेक किया मैंने भी कि क्या प्रोग्राम हो रहा है, कैसा दिख रहा है भाई। मजा आ रहा है देख के। ये पीछे कैसे बॉल कराई है और एक बॉल को और रेडी करवा रहा हूँ मैं, फिर मजा आएगा। एक बार होने दो रेडी, उसके बाद बाकी ये देख लो। ये मैंने ऐसे ना चौखट सारी ब्लू कर दी है और गेट पहले ग्रे था, ये अब वाइट कर दिया है इस तरीके से। पिलर्स जितने हैं, जैसे एक गेरा पिलर, एक गेरा पिलर और एक यहाँ पे ये पिलर जो है ये वाला, ये भी ब्लैक वाइट ऐसे करवा करके काफ़ी मज़ा आ रहा है, अच्छा लगेगा। फाइनली वॉल रेडी हो चुकी है, अब इसको अनटेप करते हैं। पता नहीं है अनटेप वर्ड है कि नहीं है, बट हाँ टेप हटाते ही शुरू करते हैं, देखते अंदर से क्या निकल के आता है। पहले ही ये वाली जा रही है। फाइनली एंड फाइनली पेंट हो चुका है और काफ़ी बढ़िया किया अंकल ने। अब अंकल को मैं लेके जाऊंगा घर पे, कि अब अंकल बारी है घर की, घर पे किया जाए पेंट। अब ये भी एक बहुत अच्छी बात है जो मैं बताने वाला हूँ, कि जिस प्राइसिंग में अंकल ने किया है वो प्राइसिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे एक बार का तो पिताजी वो हो गए थे कि भाई सही में इतने में हो रहा है। मैंने कहा हाँ जी इतने में ही हो रहा है। कह रहे बहुत सही है।